अच्छा सर, जैसे आपने अपने माता पिता की सेवा की है, ऐसा ही कुछ सलमान ने किया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज। मेरा बेटा सलमान अली छोटा सा था तो मेरे संग ये जागरण में मैं काम करता था जी, मैं जागरण में जाता था तो मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा कमाने लगा। मेरा बच्चा पढ़ाई भी ना कर पाए, अब मेरा बेटा ने सबकी पढ़ाई करवा रहा है। मेरा बच्चा 15 आदमी का परिवार है, सबको लेकर चल रहा है, सबका खर्चा पानी बराबर से देता है। 3 लड़की का परिवार को भी मेरा बेटा घर के बैठे खर्चा पहुंचाता है। पिछले लॉकडाउन में सलमान भाई घर पे नहीं आ पाए तो वो अकाउंट से ही पैसे डाल देते थे तो हम मार्केट से एक एक दो दो तीन तीन महीने का राशन ले आता था। वो जब भी आते हैं हमें बहुत खुशी होती है कि वो हमारे लिए ढेर सारे खिलौने लाते हैं और वो हमारे लिए कपड़े भी दिलाते हैं, जितनी भी ज़रूरत हो वो उनको पूरा करते हैं। हम अपने चाचू से बहुत खुश हैं, अल्लाह उनको ऐसे ही कामयाब रखे। हम दिल से दुआ करते हैं अपने बेटे के लिए और इसी तरीका से तरक्की करे, अल्लाह इसको इज्जत दे। हमारी दुआ हमारी सलमान अली के साथ। मैंने कभी नहीं देखा अपना बचपन। मैं जब 7 साल का था तो घर की ज़रूरत पूरी होती नहीं थी। जिस उम्र में मुझे पढ़ना चाहिए था, लिखना चाहिए था, तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपने पापा का हाथ बटाना है। मैं 7 साल की उम्र से ही जागरण में गाने लग गया, छोटे मोटे शोज़ करने लग गया। जब किसी की शादी होती तो रेडियो पर गाते हैं तो मैं 6-6 महीने के लिए अपने घर से दूर जाता था। मम्मी की बहुत याद आती थी, लेकिन फिर मैं सोचता था नहीं, अभी मुझे मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं तो मुझे कुछ करना है, तो मैं वहीं से बैठ कर कमाई अपने घर पे भेजता था। मैं चाहता हूँ कि जो वक्त मैंने देखा है वो वक्त मेरे भाई के बच्चे और मेरी फैमिली कभी ज़िंदगी में ना देखे, इसलिए मैं जितना हो सकता हूँ मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे फैमिली के नाम है, मेरे परिवार का नाम है। वेरी गुड, मे गॉड ब्लेस, वेरी नाइस पर्सन इज सलमान। मुझे ये पता है कि ऐसे जो आपकी तरह बच्चे हुआ करते हैं ये किसी भी हाल में किसी भी सूरत में कभी किसी से बेवफा नहीं हो सकते। वफा आप कितनी किसके साथ कर पाए, आपको कितना मौका मिले, आपको ये अता किया जाए या ना किया जाए, ये आपके बस में नहीं होता है हर वक्त, पर जिसे मौका मिल गया वो कर ही देता है। आपकी शख्सियत उसमें मुझे नज़र आती है और आपकी ऐसे ही इज्जत है मुझे सलमान। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, हमारे पूरे घर परिवार में आपकी तारीफ हुआ करती है। थैंक यू सर। आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं ये, और ऐसे ही हुआ करे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू गोविंदा जी।